और आइए बड़ी राजनीतिक खबर का रुख करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस वक्त सियासी पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि सड़क पर उतरकर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन, ऐसे में आप तस्वीरें देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सड़क पर उतरे हुए हैं। योगी सरकार की घेराबंदी के लिए समाजवादी पार्टी का ये कड़ा रुख। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है और ऐसे में सदन की कार्यवाही का बॉयकॉट करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता सड़क पर उतरे हुए हैं। लेकर पहले दिन को पदयात्रा करनी थी, उन्हीं विषयों को लेकर अखिलेश यादव अपने सभी विधायकों के साथ इस वक्त सड़क पर हैं। आज बिना बताए, बिना जानकारी में दिए अखिलेश यादव और उनके सभी विधायक सीधे विधानसभा से निकले हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं साफ तौर पर। अखिलेश यादव इस वक्त पदयात्रा करते हुए अपने सारे जो विधायक हैं उनके साथ, विधान परिषद सदस्य हैं उनके साथ सड़क पर निकले हुए हैं और जितने उनके विधायक हैं सभी आप देख सकते हैं पीछे आ रहे हैं, हाथों पर तख्तियां लिए हुए हैं। सभी ने एक स्वर मांग की है, महंगाई, बेरोजगारी, फीस वृद्धि समेत जो भी विषय हैं उन पर सरकार कोई समुचित जवाब नहीं दे रही है। ऐसे में आज सदन से वॉकआउट किया और कुछ ही मिनट अखिलेश यादव सदन में पहुंचे थे, वहां उन्होंने बोलना शुरू किया और उसके तत्काल बाद ये तस्वीरें सामने आ गई, जहां पर अभी मुद्दों को लेकर पहले दिन उनको पदयात्रा करनी थी, उन्हीं विषयों को लेकर अखिलेश यादव अपने सभी विधायकों के साथ। तो ये तस्वीरें और ये रिपोर्ट, संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी वहीं मौके पर मौजूद हैं और संजय बता रहे हैं कि अचानक सबको हैरान करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सदन से बाहर निकले अपने तमाम विधायकों के साथ, विधान परिषद सदस्यों के साथ, और मुद्दे वही हैं, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, जिसको लेकर योगी सरकार की घेराबंदी सड़क पर उतरकर कर रहे हैं अखिलेश यादव। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संजय, ये पैदल यात्रा, ये पद यात्रा विधानसभा से कहां तक करने की मंशा है अखिलेश यादव की, कहां जा रहे हैं? देखिए, पार्टी कार्यालय में जाएंगे अखिलेश यादव। आज सदन जब शुरू हुआ तो अखिलेश यादव ने थोड़ी देर के लिए बोला, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, छात्र बहाली आदि विषयों को लेकर के उन्होंने सदन से बायकॉट कर दिया। और आप देख सकते हैं इस वक्त उनके जो सारे विधायक हैं, अखिलेश यादव के इर्द गिर्द जितने हैं सारे के सारे विधायक हैं, उनके समर्थक हैं, उनके विधान परिषद सदस्य हैं। और इस वक्त अखिलेश अपने कार्यालय की ओर बढ़ते हुए विधानसभा से सीधे निकले। अखिलेश यादव बेहद अप्रत्याशित था, किसी को जानकारी नहीं होने पाई और आप देख सकते हैं पूरे जोश और उत्साह के साथ अखिलेश यादव निकल रहे हैं, सामने की तरफ बढ़ रहे हैं, चूंकि यही रास्ते पर आगे उनका पार्टी का। तो संजय त्रिपाठी, ये तो एक तरीके से यूपी सरकार को गच्चा दे दिया अखिलेश यादव ने। पहले जब वो मार्च करने चाहते थे तब पुख्ता इंतजाम पुलिस के, जिसकी वजह से वो मार्च कर नहीं पाए थे, और आज अचानक से विधानसभा से पैदल बाहर निकलते हैं और साथ में उनके तमाम विधायक, विधान परिषद सदस्य समाजवादी पार्टी के कोटे से, और देखते ही देखते ये पदयात्रा शुरू। संजय, बिल्कुल बिल्कुल, पहले दिन जब सदन शुरू हुआ था रोमाना, तब भी अखिलेश यादव ने कहा था कि वो पदयात्रा करने चाहते हैं, लेकिन उनको अनुमति नहीं दी गई। जो रूट अखिलेश यादव डिमांड कर रहे थे राजभवन के सामने वाला, जहां से इस वक्त अखिलेश यादव अभी निकल रहे हैं, इसी रूट की डिमांड की थी, कहा था यहां से पदयात्रा करते हुए हमें, हमारे विधायकों को जाना है, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी। अल्टरनेटिव रूट दिया गया था लेकिन अखिलेश यादव उससे नहीं गए और आज बिना किसी की जानकारी दिए हुए, बिना किसी को हवा लगे अखिलेश यादव निकल चुके हैं। उनके सारे विधायक, उनके सारे के सारे विधान परिषद सदस्य भी उनके साथ निकले हुए हैं। अखिलेश यादव पहले भी इसी रूट से मार्च करना चाहते थे लेकिन नहीं निकल पाए। कई सारे विधायक हैं, मैं बात करने की कोशिश करूँ। इरफान भाई, क्या विषय थे? ये सरकार जो है आदमी की बात सुनती नहीं है, किसानों की बात सुनती नहीं है, छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा है और ये अत्याचार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकारों ने धोखा दिया है, योगी जी की सरकारों ने। देख सकते हैं पार्टी के विधायक हैं अखिलेश यादव खुद भी सामने की तरफ जा रहे हैं, सुरक्षा कर्मी हमें नहीं जाने दे रहे हैं उनके पास तक, लेकिन अखिलेश यादव से भी हमने बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि जो मुद्दे हैं वो महंगाई, बेरोजगारी, छात्र संघ की बहाली, इस तरह के तमाम विषय हैं। और अब सामने की तरफ, मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा तस्वीरें दिखाएं कि सामने से
जो पार्टी का मुख्यालय है वहाँ अखिलेश यादव पहुँच रहे हैं। चारों तरफ ट्रैफिक को रोक दिया गया है, किसी को जानकारी नहीं होने पाई कि अखिलेश यादव आज पैदल मार्च करेंगे। तो विधानसभा से जो उनका पार्टी मुख्यालय है लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है और वहाँ अखिलेश यादव रवाना हो चुके हैं। पार्टी के जो विधायक हैं वो आप देख सकते हैं, तख्तियाँ अपने हाथ में लिए हुए हैं और उन्हें लगातार समय समय पर लहरा रहे हैं। तो यही पदयात्रा, बिल्कुल संजय आप रहिए मेरे साथ में, जरा सा एक बार दर्शकों को बता दूं कि यही वो पदयात्रा है जिसके लिए इजाजत पहले मांगी गई थी अखिलेश यादव की तरफ से, तब यूपी सरकार की तरफ से इजाजत दी नहीं गई थी, पुलिस का चाक चौबंद इंतजाम कर दिया गया था, पदयात्रा अखिलेश यादव को निकालने नहीं दी गई थी। लेकिन आज जब विधानसभा में मॉनसून सत्र का आखिरी दिन, तो बिना किसी को बताए अचानक से अखिलेश यादव जो हैं यूपी सरकार के तमाम इंतजामों को गच्चा देते हुए विधानसभा से बाहर निकलते हैं और शुरू कर देते हैं पद यात्रा उसी रूट पर जिस पर वो चलना चाहते थे विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन। आप देखिए विधानसभा से लेकर समाजवादी पार्टी मुख्यालय तक पैदल मार्च करते हुए अखिलेश यादव और जो समाजवादी पार्टी के विधायक और विधान परिषद के सदस्य हैं, उनका जोश इस वक्त संजय त्रिपाठी काफी हाई नजर आ रहा है, नारेबाजी भी हो रही है यहां पर जमकर। संजय बिल्कुल हाई नजर आएगा क्योंकि पार्टी का जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतृत्व कर रहा हो तो लाजमी बात है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, उनका जोश हाई होगा और वो जोश आपको लगातार दिखेगा। अभी बड़ी तेजी से ये पदयात्रा निकली है विधानसभा से और सीधे अखिलेश यादव का जो आवास देखिए आने वाला है। मैं कैमरामैन फैसल से कहूँगा तस्वीरें दिखाएं एक बार कि सामने की ओर उनका आवास आ रहा है, उसके ठीक बगल में लगा हुआ समाजवादी पार्टी का प्रदेश मुख्यालय है जहाँ तक अखिलेश यादव इसी तरह से पैदल जाएंगे। तो कुल मिला के एक जिद थी कि इस बार विधानसभा का जो मानसून सत्र है उसके पहले ये पदयात्रा वो करना चाहते थे, लेकिन आज विधानसभा का अंतिम दिन है मानसून सत्र का, तो आज उनकी पहले दिन तो नहीं लेकिन आखिरी दिन उन्होंने अपनी इस यात्रा का संकल्प जो है पूरा किया। अप्रत्याशित इसलिए कह रहा हूँ बार बार रवाना क्योंकि किसी को जानकारी नहीं होने पाई, इंटेलिजेंस फेल्योर रहा कहीं ना कहीं और अखिलेश यादव ने बिल्कुल विधानसभा में जाने के तत्काल बाद ये निर्णय लिया कि जो महंगाई, बेरोजगारी, छात्र संघ की बहाली समेत कई मुद्दे हैं उनको लेकर के अचानक से सदन का वॉकआउट किया। उसके बाद आनंद फानन में सारे विधायकों को लेकर के वो यहाँ से निकल गए हैं। पार्टी का मुख्यालय अब चंद कदम दूर रह गया है और वहीं जाकर के वो अपनी इस पदयात्रा का समापन करेंगे। उनके सारे विधायक उनके साथ मौजूद हैं और थोड़ी देर पहले विधानसभा जाने के थोड़ी ही देर पहले अखिलेश यादव राज्यपाल से मिलने गए थे और राज्यपाल से उन्होंने जो एबीपी न्यूज़ को जानकारी दी कि उन्होंने आजम खान पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं उनकी पूरी कहानी बताई, आरोप लगाया कि सरकार कहीं ना कहीं बदले की भावना से काम कर रही है और आजम खान के साथ इस तरह का जो जाति हो रही है उसको रोका जाना चाहिए। और उसके बाद वो सीधे विधानसभा गए जहां से ये पदयात्रा का आगाज़ उन्होंने कर दिया। न किसी की जानकारी में आने पाया, न किसी को कानों कान खबर लगी और अखिलेश यादव सामने तस्वीरों में आपको नजर आएंगे अपने विधायकों, विधान परिषद सदस्यों के साथ में वो निकले हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ की बहाली की जाए, छात्रों की जो फीस के मुद्दे हैं उनको हल किया जाए, वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जो जांच हो रही है उसको लेकर अखिलेश यादव नाराजगी जता चुके हैं और आरएलडी के लोग भी कहीं ना कहीं इस पैदल मार्च में उनके साथ हैं। आरएलडी का समर्थन है? हाँ, आरएलडी का समर्थन है। मैं आरएलडी के विधायक हैं, 8 के 8 विधायक जो है आज अखिलेश जी के साथ हैं और वॉकआउट करके आए हैं विधानसभा से और अब समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे जा रहे हैं। पहले दिन जब ये पदयात्रा थी तब मुझे आरएलडी के लोग नहीं दिखे थे वहाँ, आपके 9 के 9 विधायक जो है? नहीं, उस रोज जो है हमने चौधरी साहब की प्रतिमा में जो है वहाँ सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है वहाँ पे हमने एहतजाज किया था, प्रोटेस्ट किया था और हम सब लोग साथ हैं, ऐसा नहीं है, ये भ्रमक खबरें हैं। राष्ट्रीय लोकदल जो है समाजवादी के साथ मजबूती से है, गठबंधन हमारा मजबूत है, गठबंधन मजबूत है। आरएलडी के विधायकों का साफ चंद कदम की दूरी पर समाजवादी पार्टी का प्रदेश मुख्यालय रह गया है। अखिलेश यादव पूरे जोश से भरे हुए हैं और वहीं अपने पार्टी के मुख्यालय में सीधे निकल रहे हैं। पदयात्रा की ना तो अनुमति ली गई थी ना जानकारी दी गई थी और अब ये पदयात्रा कुछ ही क्षणों में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पहुंचने वाली है। मैं फिर से एक बार कहूँगा तस्वीरें दिखाएं किस तरह से जो ये पदयात्रा निकाली जा रही है उसको लेकर के अखिलेश और उनके जो कार्यकर्ता हैं उत्साह से लबरेज हैं और मांग कर रहे थे कि लगातार इस मुद्दों पर चर्चा की जाए, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। सरकार की ओर से जवाब भी आया सदन में लेकिन कोई संतुष्ट नहीं दिखा समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे।
उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि आज जब आखिरी दिन था सदन का, तो उस वक्त सारे के सारे विधायकों के साथ अखिलेश निकल पड़े हैं और पार्टी कार्यालय तक पदयात्रा उनकी जारी है। तस्वीरें साफ तौर पर रोमाना आप देख सकते हैं, उनके सुरक्षा गार्ड हैं, उनकी जो फ्लीट है पूरी की पूरी। बिल्कुल संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय आप लगातार तस्वीरें दिखाते रहिए, मैं आपके पास दोबारा लौट रही हूं। इस बीच हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, जरा उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, जो पहले दिन करना चाह रहे थे अखिलेश यादव, उसकी इजाजत सरकार की तरफ से दी नहीं गई, पुलिस ने वहां पर अपनी मुस्तैदी दिखा दी, लेकिन आज गच्चा देकर यूपी सरकार को अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के विधायक सड़क पर उतरे हुए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, अखिलेश यादव जी को लगता है ओम प्रकाश राजभर जो उनके पुराने सहयोगी रहे, उन बात शायद कहीं दिल पर लग गई है, क्योंकि लगातार ओम प्रकाश राजभर जी ये कहते रहे कि अखिलेश यादव एसी कमरे से बाहर नहीं निकलते, सड़क पर उतरने का मादा नहीं है, उनमें क्षमता नहीं है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो लगातार ये उनको जताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जनता के मुद्दे तो उनके दिल में नहीं है, जनता के लिए किसी प्रकार का दर्द नहीं है, और इसीलिए मुद्दों को उठाते समय किस प्रकार से कंफ्यूज रहते हैं, भ्रामक आंकड़े पेश करने का काम करते हैं, उनकी भाव भंगिमा, उनकी भाषा, अब सब कुछ को देखेंगे तो ये हताशा दिखाई पड़ती है कि आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के परिणाम में जो हार हुई, जो पराजय हुई है, वो पराजय का असर उनका दिखाई पड़ता है। जी, लेकिन राकेश जी, सड़क पर उतरकर अखिलेश यादव अपने सहयोगी आरएलडी के साथ घेराबंदी तो बीजेपी सरकार की कर रहे हैं। महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, छात्र संघ चुनाव का मुद्दा, छात्रों की फीस बढ़ाने का मुद्दा, ये वो तमाम मुद्दे हैं, यहाँ तक कि कानून व्यवस्था का मुद्दा और सर्वे कराने का मुद्दा, जिसको लेकर आपकी सरकार को घेर रहे हैं वो सड़क से सीधे। वो जिन मुद्दों को आज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इन मुद्दों पर उनकी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड जैसे ही सामने आता है, वैसे ही अखिलेश यादव की बोलती बंद हो जाती है। सच्चाई ये है कि अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश को प्राणिमान पर रखा था, उत्तर प्रदेश की हालत खराब थी, और आज उत्तर प्रदेश जब योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक बेहतर गति के साथ आगे बढ़ रहा है, विकास के मापदंडों पर आगे बढ़ रहा है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने 37 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश को इतिहास रच दिया जब योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी। आज हर मुद्दे पर, हर मोर्चे पर अखिलेश यादव जी के, मैं आपके पास लौटूंगी, सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। पीछे रुक दो यार, आज सदन से वॉकआउट इसलिए किया है, समाजवादी पार्टी और जितने भी विपक्षी दल हैं इस बात की मांग करते रहे कि सदन का समय बढ़ाया जाए, सदन का समय बढ़ा इसको लेकर के पार्टी के और अन्य दलों का सरकार को यही कहना था कि समय कम दिया गया है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर बहस और सरकार का जो जवाब आना चाहिए था वो जवाब संतुष्ट नहीं करता है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में सूखा है, कुछ जिलों में बाढ़ आ गई है, और कल ही इतना पानी बरसा है कि मुख्यमंत्री जी खुद कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए, तो लगातार उत्तर प्रदेश के किसान, उनका नुकसान हुआ है, उनकी फसल का नुकसान हुआ है, जिसमें सूखा की वजह से और बाढ़ की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, वहीं लंपी वायरस से भी बहुत बड़े पैमाने पर जो जानवर हैं उनकी जान गई और अभी भी बीमार हैं, किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, कई जिलों से खबर आ रही है खाद और किसी तरह का इंतजाम सरकार नहीं कर पाई है, बेरोजगारी को लेकर भी लगातार नौजवान इस उम्मीद में थे कि डबल इंजन की सरकार दोबारा सरकार बन जाने के बाद उन्हें नौकरी और रोजगार मिल जाएंगे, उनका भविष्य बेहतर होगा। इधर इलाहाबाद में पिछले 800 दिन से लगातार छात्र धरने पर बैठे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, और उसके जवाब में सरकार का फैसला ये रहा, यूनिवर्सिटी का फैसला ये रहा कि उनकी 500 गुना फीस बढ़ा दी, आमदनी खत्म हो गई लोगों की, आय हो नहीं पा रही है, नौकरी रोजगार है नहीं, आखिरकार गरीब बच्चे इतनी फीस, हॉस्टल की फीस, पढ़ाई के लिए कैसे फीस दे पाएंगे, और जब आत्मदाह कर रहे हैं तो उनको धमकी मिल रही है सरकार से, जहां महंगाई के लिए कोई सरकार ठोस कदम नहीं उठा पाई कि महंगाई कैसे कम होगी, अग्निवीर की भर्ती हुई 1,13,000 लोगों ने फॉर्म भरे हैं, कई जगह और भी भर्ती हो रही है, लेकिन सरकार ये नहीं बता रही है
कि आखिरकार कितने लोगों को पक्की रोजगार या नौकरी मिल जाएगी अंग्रेजी के माध्यम से। इसलिए सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी सदन को वॉकआउट कर करके आई है। कम से कम सरकार ये स्पष्ट करे कि महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी, क्योंकि जो एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है, महिला आयोग का जो आंकड़े कहते हैं, वो सबसे खराब अगर कानून व्यवस्था और सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न अन्याय कहीं हो रहा तो उत्तर प्रदेश में। कोई कल्पना कर सकता है कि लखीमपुर जैसी घटना हो? हाथरस में पहले ही हो चुका है, मुरादाबाद का देख लिए किस तरीके से एक बेटी को सड़क पर भागना पड़ा, और पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और पॉलिटिकल लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। आज आप लोग राजभवन भी इसी मुद्दे को लेकर गए थे कि पॉलिटिकली मुकदमे लगाए जा रहे हैं। देखिए, आदरणीय आजम खान साहब के लिए राजभवन गए, जो सदन में मुद्दे उठने चाहिए, सदन में जो जवाब सरकार का आना चाहिए, वो सरकार का जवाब नहीं आ पा रहा। आप बताइए, महंगाई पर ठोस कदम क्या उठाया सरकार ने? रोजगार और नौकरी देने के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं? कानून व्यवस्था बेहतर हो जाए उसके लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं? इन्वेस्टमेंट के बड़े बड़े सपने दिखाए और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की सपना देख रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या कदम उठाया है? और सदन जब ज्यादा चले तो आप सदन को क्यों 4 दिन में बंद कर रहे हैं? तमाम मंत्री अपना बजट बताना चाहते हैं, बजट की जानकारी देना चाहते हैं और सदस्य पूछना चाहते हैं कि आखिरकार उस विभाग ने काम क्या किया है, और इतने महीने हो जाने के बाद भी बजट के अभी तक जिलों में बजट नहीं पहुंचा है, फिर ये सदन में क्या कार्रवाई सरकार कर रही है? ठीक है सर, थैंक यू। तो सदन से वॉकआउट करके पैदल यात्रा करते हुए अखिलेश यादव अपने तमाम विधायकों विधान परिषद सदस्यों के साथ इस वक्त पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव सीधे निशाने पर योगी सरकार को ले रहे हैं। कह रहे हैं, हमने मांग की थी कि सदन का समय जो है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन हमारी मांग सुनी नहीं जा रही, जनता के मुद्दे जो है उसको अनदेखा कर रही है योगी सरकार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।